हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका चैनल के इस नए वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फुटबॉल खिलाड़ी के बारे में जो कि है वर्ल्ड कप विनर और इसके साथ वो है 2-time EPL चैंपियन। जी हां दोस्तों, हम बात करेंगे आज एनगोलो कांते के बारे में। और मैं उम्मीद ये करता हूँ कि अगर आप देखिए फुटबॉलर बनना चाहते हैं या फिर आप परस्यू करना चाहते हैं फुटबॉलिंग करियर, तो उस चीज़ में देखिए आज आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा कि किस तरह से यहाँ पे गरीबी के सफ़र से उन्होंने सीधा शिखर तक पहुँचाया अपने आप को। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, एनगोलो कांते का जन्म जो है 29 मार्च 1991 को हुआ। वो एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते थे जो कि माइग्रेट होके माली देश से फ्रांस में रहने आए थे। बचपन में देखिए एनगोलो कांते जो है रूइल मैलबेजियन के नाम के एक जगह में रहते थे जहां पर वो कचरा उठाने का काम करते थे और उनकी मदर जो है वो सफाई का काम करती थी। सो एनगोलो कांते की देखिए जिंदगी का टर्निंग पॉइंट कह ले हम, तब आया जब साल 1998 में फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है फ्रांस में खेला गया। तो देश विदेश के दर्शक जो है वर्ल्ड कप देखने के लिए फ्रांस में आए हुए थे। तो कांटे के लिए फ़ायदा ये हुआ कि उन्होंने जो भी अपने नज़दीकी स्टेडियम थे वहाँ के चक्कर लगाने शुरू कर दिए और बहुत ज़्यादा यहाँ से वो कचरा इकट्ठा करते और उससे काफ़ी अच्छी कमाई करते। अभी तक कांटे के लिए सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन 1998 वर्ल्ड कप के फाइनल में अब फ्रांस पहुंच चुका था और उनका मुकाबला होने वाला था दिग्गज ब्राजीलियन टीम जिसमें रोबर्टो कार्लोस, काफू, रिवाल्डो और रोनाल्डो जैसे बहुत बड़े खिलाड़ी खेलते थे। वर्ल्ड कप फाइनल में फ्रांस की टीम ने सबको हैरान करते हुए ब्राजील की टीम को 3-0 से हराया और इस जीत को अपने नाम करके वो बन गए थे वर्ल्ड कप 1998 के विनर। फ्रांस की वर्ल्ड कप जीत में सबसे बड़ी अहम भूमिका जो थी वो माइग्रेंट्स ने निभाई थी, क्योंकि हेनरी, जिडान, एनेल्का और पैट्रिक वेरे जैसे माइग्रेंट खिलाड़ियों ने ही ये वर्ल्ड कप जो है फ्रांस को जिताया था, जिससे पूरे देश में देखे माइग्रेंट्स की छवि जो है बिल्कुल चेंज हो गई थी और अब उन्हें दूसरे नज़रिए से देखने जाने लग पड़ा था। सो एनगोलो कांते जो कि उन दिग्गज खिलाड़ियों की तरह ही एक माइग्रेंट थे, वो इस इंसिडेंट से इतने ज़्यादा मोटिवेट हुए कि उन्होंने 7 साल की छोटी सी उम्र में ही देखिए अपने एक फ्रेंड को कहा कि भाई वो इस ट्रॉफी को एक ना एक दिन ज़रूर जीतेंगे। वर्ल्ड कप जीत के बाद फ्रांस देश में एक अलग सा जुनून जो है फुटबॉल के प्रति देखने को मिला, क्योंकि देश भर में बहुत सारी नई फुटबॉल अकेडमी खुलने लग पड़ी थी और अब एनगोलो कांते भी अपने आप को एक फुटबॉलर के तौर पे देखना चाहते थे, जिसके कारण उन्होंने सितंबर 1999 को जेएस सुरिन जो कि उस वक्त एक एमेच्योर क्लब था उसमें अपने ट्रायल देने की सोची। ट्रायल वाले दिन करीब 100 बच्चे ट्रायल के लिए आए हुए थे। पाइटर वोयना जो कि उस वक्त के यूथ कोच थे, उन्हें एक बच्चा बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी लगा और वो थे हमारे नन्हे एनगोलो, जिन्होंने ना तो कोई स्पेशल स्किल दिखाया और ना ही कोई ज़बरदस्त गोल किया। कोच के अकॉर्डिंग उन्होंने उनमें सिर्फ एक क्वालिटी देखी और वो थी कि वो दौड़ते ही जा रहे थे, बिना थके सिर्फ दौड़ना और दौड़ते ही रहना। अपने अद्भुत स्टैमिने के बदौलत एनगोलो कांते की सिलेक्शन हो चुकी थी और जे सुरीन में उन्होंने 8 साल की उम्र में अपनी एंट्री की 1999 में। शुरुआती दौर में एनगोलो कांते के लुक्स और छोटी हाइट के चलते उनके टीममेट्स जो थे बहुत अलग विचार रखते थे उनके बारे में और सोचते थे कि यार ये पता नहीं कहाँ से आया खिलाड़ी और क्या ये टिक पाएगा फुटबॉल फील्ड में बड़े खिलाड़ियों के सामने या फिर नहीं। उनके उस वक्त के टीममेट फ्रैंकोस लेमियन के अकॉर्डिंग कांटे जो थे वो 3 साल छोटे थे बाकी सभी खिलाड़ियों से और एक दिन लोकल टीम के खिलाफ जब मैच था तो उन्हें सब्स्टिट्यूट अपेयरेंस के लिए बुलाया गया 10 मिनट रहते हुए। तो उन्होंने इतना ज़बरदस्त खेल दिखाया कि कोई भी खिलाड़ी ऑपोजिशन का उनके पार नहीं गया और जब लास्ट में जब मैच खत्म हुआ तो चेंजिंग रूम में फ्रैंकोस ने अपने बाकी टीममेट से कहा कि देखो ये 10 मिनट में इस छोटे से खिलाड़ी ने हमें बता दिया कि फुटबॉल जो है वो किस तरह से खेला जाता है। एनगोलो थोड़े ही दिनों में अपने गेम के प्रति लगाव और मेहनत के चलते टीम का इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गए थे। अब टीममेट्स उन्हें छोटा लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस खिलाड़ी मानने लग पड़े थे। कांटे इस सब के अलावा देखिए बहुत ही शर्मीले स्वभाव के थे और ट्रॉफी सेलिब्रेशन में भी वो टीम से दूर रहकर खुश रहते थे। एनगोलो जब 10 साल के हुए तो उनके कोच वोयना ने नोटिस किया कि उनकी हेडिंग एबिलिटी और लेफ्ट फुट जो है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है और इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने एनगोलो को छुट्टियों से पहले जगलिंग का टास्क दिया। 2 महीने बाद अपने कोच को हैरान करते हुए उन्होंने हर एक पैर से 100 और सिर से भी 100 कीपी अपीस करके दिखाई। एनगोलो ने अपने करियर के लगभग 11 साल इसी क्लब में बिताए और अच्छा खेलने के बावजूद भी उन्हें बड़ी टीमों ने स्काउट नहीं किया, क्योंकि इस पोजीशन पे जिसमें वो खेलते थे बॉल विनिंग मिडफील्डर की, वहाँ पे देखिए लंबे कद के खिलाड़ी ज़्यादातर डोमिनेट करते थे और एनगोलो जो थे छोटे कद के कारण इस चीज़ में मात खा रहे थे। आखिरकार फ्रांस की 3rd division टीम बलोन ने उन्हें एमेच्योर कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया और उनकी रिजर्व टीम से वो लगातार 2 सीजन तक खेले और साथ में उन्होंने अकाउंटेंसी में डिप्लोमा भी हासिल किया।
साल 2013 में उनको फ्रांस की लीग टू टीम कैन ने साइन किया। उनकी ओर से खेलते हुए पहले ही सीजन में उन्होंने अपनी टीम को लीग वन की प्रमोशन दिलवाई और बाद में वो बेस्ट खिलाड़ी चुने गए। अगला साल इंडिविजुअल लेवल पे उनके लिए बहुत अच्छा रहा। पहले तो उनकी टीम जो थी वो रेलीगेशन से बची और दूसरा ये कि पूरे यूरोप में सबसे ज़्यादा टैकल करके बॉल रिकवर करने वाले वो खिलाड़ी बने। उस सीजन एनगोलो ने कुल 37 मैच खेले जिसमें से एक मैच वो सस्पेंशन की वजह से मिस कर गए क्योंकि उन्हें मिला था एक मैच में रेड कार्ड। दोस्तों हैरानी की बात ये है कि अभी तक एनगोलो ने सिर्फ एक रेड कार्ड लिया है अपने पूरे करियर में और वो इसी सीजन के दौरान था केन के साथ। एनगोलो के लिए ये सीजन जो था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और इस सीजन से यहाँ पे बड़े क्लब्स ने उन पर अपना नज़र बनाने शुरू की जिनमें से लियों, मार्से और आर्सेनल जैसे टीम के नाम आते हैं। लेकिन इन सभी क्लब्स को छोड़ के यहाँ पे बाजी मार गए लेस्टर सिटी। यहाँ पे स्टीव वॉल्श नाम का एक स्काउट था जिन्होंने एनगोलो का मैच देखा तो उन्होंने बाद में अपनी रिपोर्ट में ये लिखा कि मुझे ऐसा लगा मैच के दौरान दो एनगोलो कांते खेल रहे हैं। तो फाइनली स्काउटिंग के बाद 3 अगस्त 2015 को लेस्टर सिटी एनगोलो ने ज्वाइन की 4 ईयर के कॉन्ट्रैक्ट पे। एनगोलो के लिए ईपीएल का स्टेज नया भी था और बड़ा भी, लेकिन एनगोलो ने भी प्रदर्शन उसी हिसाब से किया। उस साल लेस्टर ईपीएल चैंपियन बनी और एनगोलो को पीएफए टीम ऑफ द ईयर में भी चुना गया। उस सीजन उन्होंने पूरे यूरोप को अपनी एंट्री के बारे में बता दिया था क्योंकि पूरे सीजन में उन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 175 टैकल्स और 157 इंटरसेप्शन किए थे। नेक्स्ट सीजन यानी कि साल 2016 में उन्होंने लेस्टर सिटी को अलविदा कहा और 16 जुलाई 2016 को चेल्सी ने उन्हें 32 मिलियन पाउंड्स में खरीद लिया। लेस्टर सिटी ने अगले सीजन एनगोलो को सही मायने में बहुत ज़्यादा मिस किया और ईपीएल में उस सीजन उन्होंने 12th पोजीशन पर फिनिश किया। हैरानी की बात यह भी है कि लेस्टर की ओर से केवल वही एक की खिलाड़ी थे जिन्होंने उस सीजन टीम को अलविदा कहा था, जिससे ये साफ पता लगता है कि लेस्टर सिटी में उस छोटे से कद के खिलाड़ी का रुतबा बहुत बड़ा था। वहीं दूसरी ओर चेल्सी के उस वक्त के मैनेजर एंटोनियो कॉन्टे ने एनगोलो की साइनिंग का भरपूर फायदा उठाया जिसके बदौलत चेल्सी उस सीजन ईपीएल के विनर बनी। एनगोलो के लिए बहुत ही बड़ी कामयाबी थी क्योंकि लगातार 2 सीजन वो ईपीएल चैंपियन बने। इस साल भी वो टीम ऑफ द ईयर का हिस्सा रहे और अपने बेहतरीन प्रदर्शन के चलते पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर और प्रीमियर लीग प्लेयर ऑफ द सीजन चुने गए। इसी साल उनके उस वक्त के टीममेट एडन हजार्ड ने उन्हें रैट का निकनेम दिया और इसका कारण उन्होंने ये बताया कि एनगोलो चूहे की भांति अपने छोटे और तेज कदमों से ऑपोजिशन के हर अटैक को आसानी से रोक लेते हैं। कांटे के लिए अब उनकी आज तक की सबसे बड़ी चुनौती सामने आ रही थी और वो था 2018 का फीफा विश्व कप। लेकिन वर्ल्ड कप शुरू होने के कुछ ही हफ्ते पहले उनके भाई नियामा दुनिया को अलविदा कह गए। कांटे के लिए ये खबर बहुत ही ज़्यादा दुख भरी थी। अब उनके परिवार के 2 सदस्य उनके साथ नहीं रहे थे क्योंकि 11 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता को भी खो दिया था। इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए एनगोलो ने 2018 वर्ल्ड कप में फ्रांस की ओर से हर एक मैच खेला भी और उनमें बढ़िया प्रदर्शन भी किया। उनके ज़बरदस्त प्रदर्शन के बदौलत कई सारे जर्नलिस्ट ने उन्हें गोल्डन बॉल का हकदार भी माना था और कहा था कि लुका मॉड्रिच की जगह एनगोलो कांटे को ये अवार्ड दिया जाना चाहिए था। फ्रांस 2018 वर्ल्ड कप का विनर बन चुका था और एनगोलो कांटे का सपना जो 1998 में स्टार्ट हुआ था वो आज लगभग 20 साल के बाद पूरा हो गया था। लेकिन शर्मीले स्वभाव के एनगोलो कांटे ने अभी भी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को हाथ नहीं लगाया था और वो दूर खड़े बाकी सभी खिलाड़ियों को देख रहे थे, जिसके चलते स्टीवन एनजोंजी जो उनके टीममेट थे उन्होंने वो ट्रॉफी एनगोलो कांटे के हाथ में दी। तब जाकर एनगोलो कांटे ने आखिरकार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के साथ एक फोटो खिंचवाई। उनके जबरदस्त वर्ल्ड कप के प्रदर्शन को देखते हुए उनके फ्रेंच टीममेट्स ने एक गाना जो है स्पेशली उनके लिए डेडिकेट किया था और आप यकीन नहीं करेंगे कि पूरा स्टेडियम वही गाना एनगोलो के लिए गा रहा था, जिससे ये पता लग गया था कि अब एनगोलो जो है फैन फेवरेट बन चुके हैं। तो आखिर किसने सोचा होगा कि साल 2013 में फ्रांस की थर्ड डिवीजन टीम का एक खिलाड़ी अगले 5 साल में 2 ईपीएल और फुटबॉल जगत की सबसे बड़ी ट्रॉफी अपने नाम कर लेगा। सो इस सवाल का आंसर जो है आपको सिर्फ और सिर्फ एनगोलो की कड़ी मेहनत और हार ना मानने वाले नज़रिए में ही मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे यही दोनों चीज़ें थी जो कि प्रेडिक्ट कर सकती थी उस समय कि एनगोलो जो है आगे चलकर वर्ल्ड कप विनर बनेंगे।
आज आपको एनगोलो की सादगी भरे और शर्मीले स्वभाव के ढेर सारे एग्जाम्पल इंटरनेट पे मिल जाएंगे, जिनमें से बड़ी गाड़ियों को छोड़ मिनी कूपर चलाना, अपने फैन की बेटी की शादी को अटेंड करना, फुटबॉल वर्ल्ड कप प्रेजेंटेशन वाला किस्सा और अपने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाले कमेंट का रिप्लाई करना। ये सब छोटी बड़ी बातें जो है एनगोलो को एक अच्छा इंसान ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में एक आइकॉनिक फुटबॉल प्लेयर भी बनाती हैं, क्योंकि आने वाले यंग टैलेंट जो है इनकी स्टोरी से सीखेंगे भी और आगे चलकर जीतेंगे भी। तो दोस्तों ये थी वीडियो एनगोलो कांटे के रिलेटेड, तो आई होप कि आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। वहीं देखिए आप, उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे जहाँ पर भी हैं, वहीं फुटबॉल की भी वापसी जल्द से जल्द हो ताकि हमें मैचेस जो हैं देखने को मिलें, और तब तक के लिए हमेशा की तरह देखते रहें और सपोर्ट करते रहें फ्री किक सिंह।